ये जो स्ट्रक्चर है पीछे में, ये अरब वर्ल्ड का सबसे पुराना मॉस्क है ऐसा बताया जाता है, और ये बहरेन में है, बहरेन के सेंटर में ही है ये। इस वीडियो में आपको इसके बारे में जो भी फैक्ट्स जो मैं कलेक्ट करा हूँ यहाँ पे, जो भी लिखा हुआ है विजिटर सेंटर्स में, वो सारी बातें बताऊँगा। ऐसे ये जो मॉस्क है इसके बारे में थोड़ा सा एक माइथोलॉजिकल बिलीफ भी है, और इसका उम्र एज बताया जाता है कि लगभग 1300 साल पुराना है। 22 AD में बना था। इसके बाद फिर इसमें मरम्मत किया गया, अंदर जाके देखते हैं, मरम्मत किया गया इसमें 11th सेंचुरी में और शायद 14th सेंचुरी में। ये जो दो पिलर टाइप देख रहे हैं जिसको मीनार बोलते हैं, ये 11th सेंचुरी और 14th सेंचुरी में जब इसका मरम्मत हुआ था, मेंटेनेंस हुआ था, उस समय बनाया गया। तो उस समय तक ये कहा जाना मुश्किल था इसको कि ये मॉस्क है या क्या है। लेकिन ये जो पिलर है, ये जो गुंबद या जो बोल लीजिए इसको मीनार, उसके बाद से इसे अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये एक मॉस्क ही था। ये सारी बातें जो इनके डिटेल्स में लिखा हुआ है उसी से मैं बता रहा हूँ। ओके, जो भी फैक्ट्स और फिगर्स है मैं चेक करके ही बता रहा हूँ, आप एक बार चेक कर लीजिए। ये सारे जितने भी स्ट्रक्चर्स है वो लाइम स्टोन से बना हुआ है। वहाँ पे भी विजिटर सेंटर्स में कुछ ऐसे लिखावट वाला पिलर है जिसको 5 साइटों से, जैसे ऊपर नीचे दाएं बाएं से लिखा गया है, उसमें बहुत सारे स्टोरीज लिखे गए हैं उसमें, और वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे। पहले ये जो मॉस्क है, अरब वर्ल्ड का सबसे पुराना मॉस्क, 1300 साल पुराना मॉस्क, उसे देखते हैं। इतने अच्छे से इसे प्रिजर्व करके रखा नहीं गया है, पता नहीं शायद इसको ओरिजिनल फॉर्म में ही रखना चाहते थे, लेकिन ये बना हुआ है लाइम स्टोन से। यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो ये चूना जैसा कुछ तो है ना। इसको लगता है खरोट के निकाला गया है इसको, ताकि खरोट हो गया होगा, क्योंकि ये जो वॉल है, ये वॉल बना हुआ था शायद, इसको निकाला गया है खरोट के, नेचुरल नहीं है, हर जगह ऐसा ही है। बहरहाल यहाँ पे कुछ पिलर्स हैं, ये सारे पिलर्स जो आप देख रहे हैं, ये इसके ऊपर कुछ घर टाइप का कुछ होता होगा पक्का से, लेकिन अभी ऊपर क्या था नहीं था इसके बारे में कोई पता नहीं, लेकिन ये सारे लाइम स्टोन्स हैं। ये एंट्रेंस का होगा यहाँ पे, वहाँ से भी एक साइड, ये बीच वाला एरिया था होगा, यहाँ से इंटर करते होंगे, वहाँ से एग्जिट, और एक राउंड जैसा बना हुआ है। यहाँ पे जैसा मैंने शुरुआत में बताया आपको, दो मीनार्स हैं, एक वो है और एक इधर है, इस साइड भी है। उसमें चढ़ने के लिए भी सीढ़ी बनाया गया है, मतलब एक लिविंग क्रिएचर था, किसके लोग रहते थे यहाँ पे, अगर बहुत पुरानी बात अगर हम करेंगे। बाकी यहाँ पे ऐसे देखने लायक या फिर ऐसे ऑब्जर्व करने लायक तो कुछ है नहीं, वो नॉर्मल जो एंशियंट आर्किटेक्चर होता है जिसमें गुंबद बने होते हैं, पिलर्स होते हैं, फ्लोर्स के नाम पे कुछ है नहीं यहाँ पे, जो भी थे वो शायद निकल गया है। इधर आपको मैं ये दिखाता हूँ कि यहाँ पे सीढ़ियाँ भी हैं, इधर अगर आप देखेंगे ये फ्लोर्स जो हैं, ये पता नहीं कौन सा नेचुरल फ्लोर है या फिर कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पॉलीथीन भी है। ये पॉलीथीन जो है इधर, ये तभी रखा गया है शायद ये पॉलीथीन। तो थोड़ा बहुत इसमें मरम्मत हुआ है, जैसा मैंने शुरुआत में आपको बताया था, उधर ये वॉल खोल के था यहाँ पे, इसे फ्लोट करके से निकाला गया है। ये जो वॉल है ये शायद पहले से लाइमस्टोन का वॉल था, ये टूट टूट के गिर गया है, तो इसको अच्छे से क्लीन करके एक जगह में रख दिया गया है। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो लाइमस्टोन का बना हुआ है। यहाँ नीचे भी कुछ खुदाई हुआ था लगता है, लेकिन उसको भी ढक दिया गया है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ये मीनार का जो सीढ़ी है उसके ऊपर भी शायद चढ़ सकते हैं। यहाँ पे सीढ़ी है, छोटा सा सीढ़ी है, लगभग कितना होगा ये, एक फिट लगभग, 1 फिट चौड़ाई है इसका। इसमें से लोग जाते होंगे ऊपर और अजान वगैरह देने के लिए शायद होगा, इको नहीं हो रहा है। और दूसरा वहाँ पे है उस तरफ में। और अगर कंपाउंड का बात करेंगे तो दो एंट्री है यहाँ पे, एक यहाँ पे एंट्री है और एक वहाँ पे है, शायद ये एंट्री होगा और ये एग्जिट होगा। अगर इसका टॉप व्यू अगर देखेंगे तो ये एक सर्कल में बना हुआ है ऐसे करके, दो तरफ इनका मीनार है और बीच में ये एक एरिया है। बस जो भी स्ट्रक्चर है इतना ही है। यहाँ पे कैसे आना है उसके बारे में बस इतना ही इंफॉर्मेशन है कि आप बहरेन आ जाइए, गूगल में लिखिए अल्खमीश मॉस्क, आ जाइए यहाँ पे, कोई एंट्री फीस नहीं है। टाइमिंग है
दोपहर के 12 बजे से लेके, गर्मी बहुत है, दोपहर के 12 बजे से 5 बजे तक, ओके। तो आ सकते हैं, कोशिश यही कीजिएगा कि आफ्टरनून में आए। अभी लगभग 4 बजने वाले हैं, 4:30 हो गए, तभी इतना गर्मी है और जुलाई का महीना है। आगे मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगा कि जो स्टोन्स रखे गए हैं, जिसके ऊपर में कुछ कुछ लिखा गया है, अरबी में लिखा हुआ है, वो उसमें कुछ मैसेजेस हैं, और वो कहाँ से निकाला गया है वो भी। एक जगह है जहाँ पे उन्होंने ग्लास का एक फ्रेम बना लिया है। यहाँ पे कुछ छोटा सा सीढ़ी, अंडरग्राउंड सीढ़ी भी है, जहाँ से मॉस्क के ऊपर जा सकता है। अब ये सीढ़ी कहाँ से आ रहा है ये पता नहीं, क्योंकि इस साइड में ये बंद है या बंद कर दिया गया है, पता नहीं। वहाँ से भी एक सीढ़ी है, यहाँ से भी एक सीढ़ी है, कहीं ना कहीं से ही आता होगा और वो ऊपर सीधा मॉस्क के उधर जाता होगा। कई बार किले में ये सारी चीज़ें होते हैं सेफ्टी के लिए। तो एनीवे, ये एक जहाँ तक मुझे लगता है कि नेचुरली है, क्योंकि वो वहाँ पे अगर देखेंगे आप, वहाँ पे तो वो सीमेंटेड है, थोड़ा सा सीमेंट मतलब लाइम स्टोन का कुछ तो मिक्सर है। अभी मैं आके वहाँ पे दिखाऊंगा कि कहाँ से उन्होंने वो जो लिखा हुआ पत्थर को निकाला है। लगता है यहाँ पे लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन जो ग्लास के फ्रेम्स बना रखे हैं वहाँ पे, ताकि वो एरिया को प्रिजर्व कर पाए। ये जो ग्लासेस है बहुत मोटा है, इसके ऊपर चल सकते हैं, ओके। मैं चल रहा हूँ इसके ऊपर, और इसके नीचे में जो भी है खुदाई करके रखा गया है, शायद इसे प्रिजर्व करने के लिए, कि प्रिजर्व करके रखेंगे कि हमने इन पत्थरों को यहाँ से निकाला है, ओके। यहाँ से निकाल के इन्होंने उधर दूर में रखा गया है, डिस्प्ले करके कि क्या लिखा हुआ है, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है। स्क्रिप्ट देख के लगता है कि अरबी का ही है, ओके। इसी तरह का एक वहाँ पे भी है, उधर भी है, यहीं से निकाला गया होगा। ये कुछ बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस का ये जो स्ट्रक्चर हमने शुरुआत में देखा था, उसके बारे में कुछ डिटेल्स हैं। यहाँ पे जो लाइम स्टोन्स के बने हुए कुछ पिलर्स हैं। गर्मी एक अलग ही वो है, चलिए एनीवे कोई बात नहीं। तो यहाँ पे कुछ स्टोन्स रखे हुए हैं, उसके बारे में भी आप लोगों को बता देता हूँ। ऐसे देखने के लिए ऐसा कुछ वर्ल्ड ओल्डेस्ट मॉस्क बोला जाता है, लेकिन देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि उस हिसाब से इसे रखा गया है। थोड़ा इन्फॉर्मेशन क्या पता मैंने कंप्लीट लिया होगा, इनकम्प्लीट। ये सारे जो स्टोन्स हैं जो मैं आपको बता रहा था, जिसमें लिखा हुआ है, ओके, ये हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नौ स्टोन्स हैं, जिसके पांचों फेज में, जैसे कि एक ये फेज हो गया, एक ये फेज हो गया, एक ये, एक इधर और एक इधर, इन सारों में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है अरबी में। इतना गर्मी है था कि फोन भी गर्म हो गया और बंद हो गया था, तो फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये सारे को ग्रेव स्टोन्स भी बोलते हैं। नौ हैं, जिसमें पांचों फेसेस में कुछ ना कुछ मैसेज लिखा हुआ है, और क्या मैसेज लिखा हुआ है उसका इंग्लिश जो ट्रांसक्रिप्ट है वो वहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने एक दो पैराग्राफ पढ़ा है, उसमें तो ये लिखा हुआ है, कुछ मैसेजेस हैं किसी के नाम पे, किसने लिखा हुआ है उसके बारे में बताया गया है, भगवान के अल्लाह के बारे में बताया गया है, ये सारी बातें। तो इतनी ही इन्फॉर्मेशन है अभी मेरे पास। अगर आप बहरेन आएंगे तो आ सकते हैं इधर घूमने के लिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई फीस नहीं है, बस टाइमिंग है दोपहर के 12 बजे से लेके दोपहर के शाम के 5 बजे तक, ओके। और आइडियल टाइम रहेगा 4 बजे तक, आप आ जाइएगा जो टाइम में मैं आया हूँ, लेकिन गर्मी बहुत है, जुलाई का महीना है। बाकी अगर बहरेन आ रहे हैं तो एक बार विजिट कर सकते हैं देखने के लिए कि अरब वर्ल्ड का सबसे पुराना मॉस्क क्या है। इससे रिलेटेड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके पास हो जो मैंने मिस करा हो तो ज़रूर बताइएगा। और बाकी बहरेन के बहुत सारे और भी ब्लॉग्स मैंने शूट करे हैं, वो भी देखिए जाके, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उन लोगों का। अपना ख्याल रखिए, थैंक यू वेरी मच।